सीभियर प्लस कैटेगोरी रे दिल्ली AQI 500 पाखापाखि पहुँची सबुठ एयर क्वालिटी इंडेक्स 494 राजधानी में विषाक्त तो धूआ जो दृश्यमानता ह्रास पाई ट्रेन और विमान विलंब किंवा बातिल 22 ट्रेन विलंब रही बेले 9 ट्रेन बातिल दिल्ली एनसीआर में समस्त स्कूल बंद होता बेले विश्वविद्यालय ऑनलाइन रे पाठ पढ़ावा निर्देश दि जाए दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में लागू हो ग्राफ 4 कटकणा केवल जरूरी सेवा सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक को छाड़ी अन्य समस्त ट्रक प्रवेश रोक लगी बाहर आसुवा समस्त वाणिज्यिक जान प्रवेश रोक लगी सरकारी और बेसरकारी कार्यालय 50% कर्मचारी चलो अधा कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम काम करेंगे जरूरी नथिले लोके बाहर को न आसिबा परामर्श देछि स्वास्थ्य मंत्रालय प्रदूषण प्रभाव रे दिल्ली राजपथ रे विजिबिलिटी ह्रास पाई जुआड़े चाहिले केवल धुआ दिशुची वायुमंडल सेपटे क्रमगत द्वितीय दिन घन कुहुड़ी पाई IMD ऑरेंज अलर्ट जारी करिछि। ये जो पोल्यूशन है तो पोल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता ही जा रहा है, तो इसकी वजह है कि हम जो गाड़ियाँ यूज कर रहे हैं, हम पैदल नहीं चल रहे, तो उसके बारे में हम सभी लोगों ने अवेयरनेस होना चाहिए कि हेल्थ के बहुत सारे इशू आगे 2 साल में होने वाले हैं, तो हम सभी लोगों ने ये सोचना चाहिए कि ये केमिकल रहने दो या ये गाड़ियाँ रहने दो, ये पोल्यूशन की वजह है, तो ये सब छोड़ना चाहिए। और इसके बारे में गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए कि आगे आने वाला हमारा जो फ्यूचर है वो फ्यूचर के बारे में हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप 49 सिगरेट्स पीएंगे तो उसके इक्वल है दिल्ली की एयर ब्रीथ करना एक दिन में। तो ये पोल्यूशन जैसा जैसा बढ़ता जाएगा, ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑक्सीजन पे है, हम लोग ब्रीथ करते एयर यही। अगर मैंने ये देखा था कि कल AQI जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो काफ़ी दूसरे शहरों से बहुत ज़्यादा ही सीवियर पोल्यूट हो चुका है, तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हेल्थ ख़राब हो जाएंगी, इसका इम्पैक्ट भी इकोनॉमी पे आ सकता है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग को लोगों को प्रिकॉशंस लेना चाहिए, प्रिकॉशंस तो नहीं, अब तो बहुत एंड स्टेज आ गया है, लोगों को इस पे गौर करना चाहिए, गवर्नमेंट को भी मतलब इस पे ध्यान दे के, जैसा कि स्कूल्स वगैरह जो बंद हो चुके इसके जो इम्पैक्ट आ रहा है उसको कम करना चाहिए। दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और इसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे आँखों में जलन हो रही है और गले में खराश हो रही है, सांस लेने प्रॉब्लम हो रही है, लंग्स तक में प्रॉब्लम हो रही है और बड़े बूढ़ों को तो सांस भी नहीं आ रहा है। इस वजह से क्या कहते हैं, इतना दिक्कत है का सामना करना पड़ रहा है कि घर से बाहर निकलना दुभर हो गया है, बच्चों के लिए बाहर स्कूल जाना मुश्किल है। और क्या कहते हैं, ये पोल्यूशन जो हो रहा है हमारा, क्या कहते हैं, इस पोल्यूशन जो इस कारण हो रहा है कि एक तो पुरानी गाड़ियाँ 15 साल पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं और दूसरा जो ट्रक BS4 ट्रक वगैरह एंट्री कर रहे हैं उससे पोल्यूशन, और दूसरा ये किसान पराली जलाते हैं इसमें भी कुछ ध्यान नहीं दिया जा रहा, उसकी वजह से इतना धुआं हो चुका है कि आदमी को सांस लेना दुभर हो चुका है। जदि आपन को हम वीडियो टी भल लगला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।